नमस्कार का टारगेट होगा और 2 मिनट के लिए प्लैंक से शुरुआत करेंगे अलोंग विद टाइमर। पोजिशन लीजिए जल्दी से और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। अभी अपने माइक को ऑफ करिएगा। निगाहें सामने की ओर। Keep going. 8 minutes away. 8 minutes off. More seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आइए आइए शर्मा जी जल्दी आइएगा। वन हैंड प्लैंक लेने वाले हैं आप लोग। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से 1 मिनट का टारगेट होगा। पोजीशन लेंगे बिल्कुल प्रॉपर। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो ओवरलैप रखेंगे लेग्स को इस तरह से, अदरवाइज क्रॉस। अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है। और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। Well done, keep going. सुमित करते क्यों नहीं हो? बोलो मत करो। नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। वेरी गुड रचना, वेल डन। दूसरी तरफ भी बिल्कुल 1 मिनट के लिए ऐसे लेने वाले हैं। लॉक लगाइएगा पैरों का आपस में ओवरलैप, अगर बैलेंस बन सकता है तो, अदरवाइज ऐसे क्रॉस भी ले सकते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। करिए करिए शोल्डर्स को, आर्म्स को स्ट्रेंथ देने के लिए बेहद जरूरी।
वेल्डर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 सेकेंड्स का रिलैक्स, सिर्फ 20 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग फोर आर्म्स पे लेंगे रिवर्स प्लैंक और शोल्डर्स का मूवमेंट देंगे। फैन सभी अपने बंद रखिएगा, विंडोज खोल सकते हैं, नॉट फैन, फैंस को स्विच ऑफ करिएगा। मोनिका, मुझे आपका फैन दिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। ऑलराइट, देखिएगा रिवर्स प्लैंक लेंगे, शोल्डर्स पे मूवमेंट लेंगे, ये ध्यान रखना है, ऐसा दो बार करेंगे फोर आर्म्स पर। शोल्डर्स का मूवमेंट का मतलब ये होगा, जैसे कि आपने फोर आर्म्स पे बॉडी को पहले उठाया, मिडल बॉडी कर लूज, तो अपने शोल्डर से ये मूवमेंट देना है, शोल्डर को ये देखिए धीरे धीरे। एक बार मैं फ्रंट एंगल भी दिखाऊंगा, पहले जरा ये देख लीजिएगा, के बाद फ्रंट एंगल में देखकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन है आपकी, तो सबसे पहले आपने बॉडी को उठाया और फिर शोल्डर का ये मूवमेंट है, ध्यान से देखिए। कोशिश करेगा शोल्डर्स के मूवमेंट को देने की कोशिश। प्रीति, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? एनी प्रॉब्लम प्रीति? दो बार करके रुकेंगे। आइए आइए पूजा मैडम, आइए। नमस्ते नमस्ते। वेल डन वेल डन नंदिता मैडम, जल्दी कंप्लीट करेगा। नायर साहब हो गया ये? ठीक है सर, अभी क्या हो रहा है? सॉरी, अभी क्या कर रहे हैं? अभी अभी आप, हम लोगों ने तो कर चुके हैं प्लैंक, रिवर्स प्लैंक और सब तमाम चीजें। अब आप सीधा हमारे साथ ही शुरुआत करेगा, ठीक है? आप एक बार बस प्लैंक कर डालिए, जो लोग अभी आए हैं वो एक बार प्लैंक कर रहे हैं बस, और उसके बाद खड़े होकर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम लोग खड़े होकर शुरुआत करेंगे, बाकी जो भी आए हैं वो प्लैंक से शुरुआत कर रहे हैं। साइड स्ट्रेट से शुरुआत, स्ट्रेट आपकी आर्म्स रहेंगी 7 से 10 बार, इनहेल और एक्सहेल करते हुए लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, टोज अंदर की ओर करेगा, इनहेल और एक्सहेल का उपयोग एक्सहेल के दौरान बैंड। ब्रीथ नॉर्मल, लेग्स स्ट्रेट। सात से दस बार ले रहे हैं, लेग्स को स्ट्रेट रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोज अंदर की ओर, लेग्स में शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप। करते रहिए 7 बार मिनिमम,
का अनुभव करते रहो। पुश करते रहिए। इनहेल और एक्सहेल का उपयोग होगा 7 से 10 बार। करो करो प्रीति, कोशिश करिए। इनहेल और एक्सहेल करते रहो। रचना रुको मत, करिए शर्मा जी करिए। वेरी गुड मोनिका। वेल डन। कीप गोइंग। 7 से 10 बार करके हम लोग रुकेंगे। वेरी गुड प्रिंसिपल मैडम, वेल डन। टोज अंदर की ओर रखिए प्रिंसिपल मैडम, टोज अंदर करिए, वरना नीज में प्रेशर आएगा नीचे आते वक्त। अभी लेफ्ट टो आपका बाहर है प्रिंसिपल मैडम, ध्यान से करो लेफ्ट। आइए प्रीति, हम लोग प्रीति आपको मेरी आवाज आ रही है इशारे से बताइए। हाँ गुड, आप प्लैंक कर चुके हैं, साइड स्ट्रेच ले रहे हैं हम लोग। ये वाला करेगा साइड स्ट्रेच आप खड़े होकर करिए। इनहेल और एक्सहेल करते हुए सात से दस बार करके रुक रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीधा चेयर पोज ले रहे हैं। जिनको नी में प्रॉब्लम है वो चेयर पोज को फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट का टारगेट होगा चेयर पोज लेने का। मैट के एज पर आप आएंगे, शोल्डर्स के बराबर गैप होगा और पूरा जो बॉडी वेट है वो आपके हील्स पर होगा। चलिए गेट रेडी, टेक योर पोजीशन। और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। जिन लोगों को नी की समस्या है वो इसको अवॉइड करेंगे और पहले की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी पूरा बॉडी वेट हील्स पर, टोज देखिए बिल्कुल फ्री, पैल्विक रीजन पर आपका बॉडी वेट और हील्स पर, नीज पे बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट का टारगेट एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। हाँ बेटा नमस्ते, बच्चे करो माइक ऑफ करके। वेल डन। करते रहिए। जो लोग पहले से कर रहे हैं क्वाइट कंफर्टेबल इन इट, दे विल डिक्रीज द गैप, गैप को बिल्कुल जीरो करेंगे आप। पोजीशन ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए नंदिता मैडम। अब आप ताड़ासन लेंगे नंदिता मैडम। हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं, जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो ताड़ासन लेंगे, बाकी फॉरवर्ड बेंडिंग। चलिए शुरुआत कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग की। करिए शुरुआत, पुश करिए बार बार, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी, बार बार एक्सहेल करते हुए पुश। जिनको गर्दन की समस्या है गर्दन सामने क्यों रखेंगे वो। पुश करते रहिए। वेल डन वसीमा, वेल डन करते रहो। वेरी गुड अमान। वेरी गुड प्रिंसिपल मैडम, वेल डन। धीरे धीरे क्या बढ़ाते रहिएगा। प्रीति फॉरवर्ड बेंडिंग हम ले रहे हैं, लेते रहिए। आप वीडियो को छोड़िए, बस मेरे को सुनने में ध्यान लगाइए फिलहाल। पुश करते रहना होगा। हेलो सर जी, करो करो। दीपिका नमस्ते। दीपिका सर क्या कैसे शुरू करूं सर? दीपिका सीधा प्लैंक से शुरुआत करना, प्लैंक। ठीक है सर।
जिंदाबाद तरीके से जबरदस्त, उसके बाद सीधा हमें पैर पूरे पूरे जमीन पर धीरे धीरे क्या बढ़ाते रहिए। करते रहिएगा ऐसे ही, keep pushing yourself, very good Deepika, kare kare sabhi kar rahe hain। सीधा फॉरवर्ड बेंडिंग लो, आराम से करना है सभी को, कोई जल्दबाजी नहीं है। टोज अंदर की ओर, वेरी गुड सुमित, हो गया ऑल राइट, मोनिका डन, ओके। चलेगा ट्विस्ट, सात सात बार ट्विस्ट लेंगे आप, शोल्डर्स के थोड़ा सा ज्यादा गया पैरों में, पैर सीधे, इनहेल करिए और एक्सहेल। पुश करते रहना होगा सात सात बार, इनहेल और एक्सहेल करते हुए मूवमेंट। चलिए पुश करिए, वेल डन, प्रीति करिए, हम लोग ट्विस्ट ले रहे हैं, ट्विस्ट पुश करिएगा सात सात बार दोनों तरफ कम से कम। हाथ ट्विस्ट लीजिए प्रीति, ट्विस्ट, आराम से करिएगा सात सात बार। उसके बाद एक रोटेशनल मूवमेंट लेंगे, तीन 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 तीन, बारह बार, आइए
क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरुआत हो रही है, लेग्स में शोल्डर से बराबर या थोड़ा सा ज्यादा गया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तीन बार, उसके बाद तीन बार एंटी क्लॉक, लेग्स बिल्कुल सीधी, थ्री टाइम्स क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, टोटल 12 बार, लेग्स स्ट्रेट, घुटने सीधे बिल्कुल, वेरी गुड अर्नब, गुड सिद्धार्थ, करिए शर्मा जी, वेल डन अमन, तुलसी करते रहो, रुको मत, तुलसी रुको मत, राइट, चलेगा, रिलैक्स, इसके बाद सीधा हम लोग आर्म्स रोटेशन लेंगे, हम सूर्य नमस्कार के लिए धीरे धीरे बॉडी को रेडी कर रहे हैं, और एंटी क्लॉक से एज यूजुअल आप लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें कि फिंगर्स भी आप बिल्कुल सीधे रखेंगे, ऐसे फिंगर्स पे बैंड नहीं करेगा, आर्म्स और फिंगर्स दोनों स्ट्रेट, 20 टाइम्स एंटी क्लॉक, दोनों तरफ 20-20 एंटी एंड क्लॉक, उसके बाद स्ट्रेट आर्म लेके आप ये बारह से पंद्रह बार आर्म बिल्कुल स्ट्रेट, बीस सेकेंड्स के लिए ऐसा करने के बाद रुकेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेट आर्म्स पीछे की ओर, पुश करें पीछे बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स, वेल डन, सीधा लॉक लगा रहे हैं पीछे हाथों का, टाइट लॉक, बॉडी बिल्कुल सीधी, आर्म ऊपर वाली सिर के पीछे, स्ट्रेट बॉडी,
बहुत बहुत अच्छा। इसके बाद इंटरचेंज करेंगे आंस को। आराम से पकड़िएगा पहले। सेम वे वेल डन। नमस्ते मुद्रा। गुड इवनिंग। सॉरी जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रीना मैडम। सीधा प्लैंक से शुरुआत करिए। प्लैंक बाजुओं को पीछे की ओर पुश करेगा। जबरदस्त स्ट्रेच आपके रिस्ट में। रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। भस्त्रिका के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। पीछे हाथों का लॉक लगेगा। 1.5 मिनट का टारगेट होगा। गर्दन 90 डिग्री होगी। किसी को चक्कर आएगा तो आराम से रिलैक्स रखेगा। आंखें खुली रखेगा और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। कुछ करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। अभी पूरे 1 मिनट और करना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग सभी। आंखें खुली रखेगा। वेरी गुड नंदिता मैडम। कीप गोइंग। पूरा ब्रीथ के साथ एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बैठना होगा, बैठ जाइएगा। बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल रिलैक्स बैठिएगा। सर बारिश आ रही है हल्की हल्की जी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। आनंद लीजिए इस बारिश का। हमें लगेगा हम भी आनंद ले रहे हैं आपके माध्यम से। सर जी जाना पड़ेगा, थोड़ा अर्जेंट है ऑफिस का। वापस लौट के आ जाना। एजेंसी ने बस बस मेरा 15 मिनट में हो जाएगा तो मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं जाएगा, आना ही है आपको। ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा आऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है ऑलराइट। ठीक है सर। सिर्फ 2 मिनट का रेस्ट था आपके पास। 1.25 मिनट निकल चुका है। सिर्फ 45 सेकंड्स और बाकी हैं आपके पास। पानी जिसको पीना है पी ले और उसके बाद काम बहुत तेजी से शुरू होगा। शालिनी क्या नाम है? हाँ शालिनी, क्या हाल है आपके? इट्स सो लॉन्ग। शिवानी सर। हाँ सॉरी शिवानी।
अच्छा वो कहाँ पर है, कुणाल क्यों नहीं आया आज? कुणाल की बैक में प्रॉब्लम है सर, वो काफी ज्यादा पेन है उनका, थोड़ा एक्सीडेंट उनको भी लग रही है एक्चुअली बैक में, क्यों दो तो दो तीन दिनों से अटेंड नहीं कर पा रहे थे। ओके चलो ठीक है, तो आज उनकी एब्सेंस आप पूरी करेंगे? हां आज फाइनली ऑफिस टाइम मिला, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। चलिए दैट्स नाइस, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आगे, अब लेग स्ट्रेचिंग से आगे बढ़ेंगे, आइएगा बॉडी को धीरे धीरे आगे लेके आना होगा। लेग स्ट्रेचिंग हम लोगों का टारगेट, पूरी क्षमता के साथ आपको आगे बढ़ना है, जितना अच्छा ये सब करेंगे उतना ही अच्छा सूर्य नमस्कार में हम लोग अच्छा अपना प्रयास कर पाएंगे। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे आइए, सभी को कोशिश करिए अपनी गर्दन सामने की ओर रखने की, ये आदत बना लीजिएगा। जिनको गर्दन में समस्या है उनको तो दिक्कत होगी ही नहीं, और जिनको गर्दन में समस्या नहीं है उनके लिए भी बढ़िया है। सामने की ओर लगाएं और अपने चिन को आप अपनी लेग की ओर लेकर आने का ऐसे प्रयास करते हैं, करिए पुश करिए। साइड पोस्चर से भी देख रहे हैं, धीरे धीरे ग्रॉइन एरिया में आपकी पूरी पहले डील है, 90 डिग्री आपका ये एंगल है, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ रहे हैं। चिन आपने लगाई हुई है, दोनों तरफ दो से तीन बार इन द सेम वे लेग्स यानी हैमस्ट्रिंग, ये एरिया हमारा टारगेट आपके नी के नीचे, बहुत बहुत बढ़िया, दो से तीन बार दोनों तरफ बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद थाई के ऊपर पुश करते रहना होगा। वेरी गुड अमन, वेल डन, करते रहिए। गुड शिवानी, गुड। सामने की ओर निगाहें, मोनिका लिमिट्स क्रॉस कर दो सारी, पकड़ लो आगे, लॉक लगाओ पैर का, लॉक लगा लो हल्का सा, लेग को पहले बैंड करो आगे, हाथों का लॉक लगा लो बैंड करके, लेग को बैंड करो, राइट को बैंड करो, बैंड बैंड, ये नहीं है नी को बैंड करो ना भाई, ऐसे देखो ऐसे बोल रहा हूं मैं मोनिका, अभी स्ट्रेट लेग से लॉक नहीं लग पा रहा है, सपोज यहीं हाथ रुक रहा है, हल्का सा उसे बैंड करके पहले लॉक लगा लो, उसके बाद उसे सीधा करो ऐसे, पहले लॉक लगाने के लिए बैंड ले लो, हाँ अब लेग को सीधा करिए, नंदिता मैडम करते रहिए, रुके बात, ये फोन वोन तो आते रहेंगे नंदिता मैडम बाद में भी, लेकिन ये मेले हरगिज कम ना होंगे जो अभी चल रहे हैं, करे जल्दी, वेल डन। इसके बाद सभी ऑब्ट्यूज एंगल जरूर लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल आपकी जो लेग स्ट्रेट है वो स्ट्रेट ही रहने वाली है, प्राइमरली इसमें ये मिस्टेक होती है, हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल दिस इज 90 डिग्री, अभी तक ऑब्ट्यूज एंगल में हम क्या करते हैं बॉडी को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, आपके सिर्फ ये पीछे वाली लाइन देखिए, ये एंगल ओपन हुआ है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट अभी भी जहां पहले थी, अब ये वाली पोजिशन है,
अब आपका जो चेस्ट पहले स्क्रीन की ओर था, अब वो साइड में हो गया है, बस फर्क कितना है। अब ट्विस्ट करके बॉडी को फ्रंट में लेके आएंगे, चेस्ट को स्क्रीन की ओर ऑल ओवर अगेन। आपने प्रिंसिपल मैडम अभी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं किया है, ऑब्ट्यूज एंगल करिए, ऑब्ट्यूज एंगल। और नीचे आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल लेने का प्रयास, वेल डन। दोनों तरफ दो दो बार 90 को ऑब्ट्यूज बनाइए, तकरीबन 110 डिग्री से 120 डिग्री का एंगल हो जाना चाहिए। अरे पुश करिए अपने आप को, नंदिता मैडम करते रहिए, रुकिए बात। दीपिका करो करो, घूमना फिरना थोड़ा कम, काम पे ज्यादा ध्यान। इसके बाद चूज लेंगे जो आप पहले ले रही थी, प्रिंसिपल मैडम करिएगा। आइए तो मैडम करते रहिए, दो दो बार कम से कम, थोड़ा सा होल्डिंग टाइम भी बढ़ाने का प्रयास। मोनिका क्या देख रही है? करे 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 करे, जल्दी जल्दी, वेल डन। वेरी गुड वेरी गुड। Well done. इसके बाद सीधा जीरो गैप ले रहे हैं, जिनको बैक में प्रॉब्लम है यूजुअल वो अवॉइड कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में बड़ा कामयाब है।
गैप है ये, हमारे को बहुत जरूरत होती है इसकी, करेगा जीरो गैप। करेगा पुश, करिए जीरो गैप। आप नंदिता मैडम मैक्सिमम गैप से लीजिएगा, पश्चिमोत्तान आसन है ये। बैक पेन वाले बिल्कुल नहीं लेंगे इसको, दे विल एब्सोल्युटली अवॉइड इट। इसके बाद मैक्सिमम गैप ले लेंगे जिनका रह गया है। कोशिश करेंगे टोज आपकी ओर, अपनी ओर ही खींचे रहें इस तरह से, और फिर नीचे आना है आपको। सर रेनबो भी आ गया, रेनबो 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 जी, एक फोटो ले लीजिए। अबे वो देखो, ओके ओके, दुर्लभ है दुर्लभ यहाँ पे रेनबो, मेरे ख्याल से 20-25 साल बाद निकला है। करो करो बेटा, बच्चे मायशा वेल डन बेटा, टोज अपनी ओर खींचो मायशा, टोज अपनी ओर खींचो बेटा, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल मैडम। इसके बाद जो कर चुके हैं वो सीधा बटरफ्लाई ले रहे हैं, मोनिका बटरफ्लाई हो गया, और फिर हम लोग रिलैक्स करेंगे पूरे 2 मिनट के लिए। करते रहिए बटरफ्लाई लीजिएगा, करेगा बिल्कुल स्ट्रेट बैक, अर्नब करो बेटा, बच्चे अर्नब जल्दी, दर्द वर्द सभी को हो रहा है बेटा, जल्दी करो। नीचा ना होगा, पैर बिल्कुल मिले हुए, नीचा ये पुश करेगा नीचे आकर अपने आप को ग्रोइन एरिया में। करिए
वेरी गुड। ऑलराइट अनुलोम विलोम ले रहे हैं हम लोग, सेवन साइकिल्स। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपको, बैक ये शुरुआत। सेवन सेकंड्स, बैक स्ट्रेट। नायर साहब हो गया, ठीक है। कोबरा पोज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगले 5 से 7 मिनट देंगे कोबरा पोस्चर्स को, और उसके बाद सीधा सूर्य नमस्कार होगा शुरू। आइए जिनको बैक पेन है वो पैरों में गैप रखेंगे इस तरह से, जिनको बैक पेन नहीं है वो जीरो गैप ले रहे हैं। चेस्ट लेवल पे दोनों हाथ हैं और इनहेल करते हुए अब ब्रीथ आपकी रुकी हुई, एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर दोबारा बिल्कुल ऐसे ही दो बार के बाद रुकना होगा, इसके बाद त्रिया भुजंग लेंगे, ऑपोजिट लेग को देखेंगे। प्रक्रिया बिल्कुल यही रहेगी, एक एक बार दोनों तरफ सिर घूमकर सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट, लोअर बॉडी स्टेशनरी, बिल्कुल वेस्ट लाइन से नीचे की बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट टाइट स्टेशनरी करेगा।
टू टाइम्स दो बार करने के बाद फिर रुक रहे हैं और रिलैक्स करेंगे पूरे 30 सेकंड्स के लिए। आराम से दो बार करिए, पहले 30 सेकंड्स के लिए रिलैक्स होगा और इसके बाद सर्पासन होगा दो बार। वेरी गुड इरफान साहब, अरुणा बच्चे बेटा दोबारा पोजीशन लो, भुजंग आसन की कोबरा पोज की, जल्दी आओ, ऐसे बैठना नहीं है। हाँ सीधे रहो बिल्कुल, पेट के बल, जल्दी करो। ऑलराइट, सर्पासन के लिए रेडी है, दो बार लेना होगा। पहली बार में ब्रीथ को रोके रखिएगा, पीछे हाथों का लॉक लगेगा, पैरों में गैस सभी के जीरो होगा इसमें, और टोज और हील्स बिल्कुल मिलाइएगा। ये आपके बॉडी का करेक्शन भी है, टॉप टू टू आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच होगी। हम पीछे हाथों का लॉक, स्ट्रेट आर्म्स, इनहेल, दो बार ऐसा ले रहे हैं, पहली बार में ब्रीथ आपकी रुकी हुई थी और दूसरी बार में आप ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, पॉस्चर को इंटैक्ट करेंगे 25 से 30 सेकंड्स के लिए। करिए, इनहेल करते हुए आप ब्रीथ ऊपर जाकर नॉर्मल, बाजुएं सीधी, बॉडी से दूर, जितना ज्यादा आप दूर कर सके बाजुओं को बॉडी से दूर करना है, और होल्ड करिए कम से कम 20 से 25 सेकेंड्स के लिए। वेल डन, वेल डन। सब करने के बाद चाइल्ड पोस्चर में हम लोग सभी जा रहे हैं, और अगर नी की प्रॉब्लम है तो वो लोग पवन मुक्तासन लेंगे, जिसमें कि आप कमर के बल लेट कर दोनों लेग्स को बैंड करने के बाद अपने चेस्ट की ओर खींच रहे हैं। अदरवाइज हम लोग ले रहे हैं चाइल्ड पोस्चर, मैक्सिमम गैप नीज में रखते हुए ये पोजीशन। और नीचे रिलैक्स करिए, एक से डेढ़ मिनट के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, उसके बाद आपको बैक टू बैक फिर सूर्य नमस्कार करना है। बिल्कुल रिलैक्स, वेरी गुड प्रिंसिपल मैडम, वेल डन। सदाबहार गीत सुन रही हैं आप सारे गामा पा। जरा मैं आपका माइक ऑन करता हूं, जरा हम भी तो सुने क्या सुन रही हैं। जरा माइक ऑन करिए अपना, एक बार माइक ऑन करिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप करेंगे माइक ऑन अपना। रेडियो चल रहा है, रेडियो। अच्छा रेडियो है, एफएम। हाँ
ठीक है ऑल राइट भाई, थैंक यू ऑल राइट। सूर्य नमस्कार के बेटा आना, सीधे बैठो बच्चे, सीधे बैठो सीधे। आइए जरा तीन चार बार, समय थोड़ा कम है, उज्जयी प्राणायाम का थोड़ा आनंद ले लेते हैं अगले तीन से चार मिनट के लिए, उसके बाद सीधा सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे, चलेगा। फोकस गले में, अच्छा प्रेशर आपको डेवलप करना होगा गले में, वो क्लैरिटी गले में आनी चाहिए, तभी इसका फायदा है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, चेस्ट आपका फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, करने में ध्यान लगाइए, फोन को हम बाद में यूज कर लेंगे कृपया। करिए करिए करिएगा। मैंने रेनबो देखा अभी। हाँ रेनबो, अच्छा आप भी रेनबो देख के आ रहे हैं सर, धीरे धीरे से। ओहो हो, जैसे अमिताभ बच्चन के दर्शन हो रहे हो। करिए करते रहिएगा, कीप गोइंग करते रहिए। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल मैडम, इसकी आवाज के साथ साथ अपनी भी आवाज पर कुछ इनायत कर लीजिए। अंतिम बार ले रहे हैं, सर्वस्व की आहुति दीजिएगा और उसके बाद सीधा सूर्य नमस्कार की शुरुआत होगी। पूरा आधा घंटा आपके पास होगा, पूरा मन से करिएगा। फिलहाल अंतिम बार उज्जयी प्राणायाम, देखिए आवाज में कितनी क्लैरिटी आ गई है, यही इसकी पहचान है। करिए
रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। हम बैक टू बैक 10 का टारगेट होगा करने के लिए, और पूरे श्रद्धा के साथ करिएगा, सिर्फ करने के लिए नहीं, उसको फील करते हुए आइएगा। चलिए बस खड़े हो जाइए, मैट के एज पर आपको आना है। मैट के एज पर आइए, नमस्ते मुद्रा है, अभी मैं फ्रेम में नहीं हूं, लेकिन नमस्ते मुद्रा आपको लेनी है। और इनहेल करते हुए दो बार मेरे साथ लेंगे, इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो लेग्स को इस तरह से बेंड कर लेंगे, बाकी लेग्स को स्ट्रेट रखिए। और अब दोनों हाथ जमीन पर आपके आ चुके हैं, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाइए और खींचे बॉडी को फिर आगे की ओर, बैकवर्ड आर्च देंगे इनहेल करते हुए। एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग के पीछे, दोनों हील्स को वन बाय वन लगाएंगे, एक लेग बिल्कुल लूज छोड़ रहे हैं, उसके पूरा बॉडी वेट एक लेग पे डाल दिया है, एक लेग लूज है। इसी तरह दूसरी लेग के साथ भी यही, गर्दन सामने की ओर, ऐसा 3 से 5 बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं, करते रहिएगा। आराम से 3 से 5 बार करने के बाद सामने दंडासन में आ गए हैं, और लेफ्ट और राइट शोल्डर का मूवमेंट, उसके बाद एक बार साइड ट्विस्ट, अब जो लेग पीछे गई थी उसको हवा में ऊपर रेज कर रहे हैं, नीचे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट। बेटा आराम करते रहो। इसी तरह दूसरी लेग भी, दोनों घुटने धीरे से जमीन पर, और हाथों के बीच में सिर्फ चेस्ट, पेट हवा में, लेग्स दोनों एक साथ, लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए मकरासन। भूमि को नतमस्तक होंगे, इनहेल करेंगे और कोबरा पोज में आगे बढ़ जाएंगे। बिना घुटने मोड़े एक्सहेल करते हुए दोनों हील्स पर्वतासन है, दोनों हील्स जमीन की ओर लगा रहे हैं और सिर को भी जमीन की ओर पुश कर रहे हैं। जो लेग पीछे की ओर गई थी उसको आगे लेके आ रहे हैं हाथों के बीच में, फिर खींच रहे हैं बॉडी को, पीछे वाली लेग और ग्रोइन एरिया में जबरदस्त स्ट्रेच रखेगा, पूरा फील है उसको, जल्दबाजी किसी की नहीं है। अब एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग भी आगे, जिनको बैक पेन है वो लेग्स को इस तरह से बैंड कर रहे हैं, जिनको नहीं है पूरा कंप्लीट स्ट्रेच उनको हैमस्ट्रिंग के लिए लेना है कुछ इस तरह से, यही नमस्कार मुद्रा लेंगे, थोड़ा सा इन्हें लीजिएगा बस बैकवर्ड आर्च,
और एक्सहेल करते हुए फिर नमस्ते मुद्रा। एक बार लेट मी ऑब्जर्व दोस्त हू आर न्यू टू दिस, फिर एक बार फिर दोबारा ले रहे हैं, नमस्ते मुद्रा लीजिएगा। इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सहेल धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर बैक में पेन है तो लेग्स को बेंड कर रहे हैं, अदरवाइज इस अवस्था में रुक रहे हैं, दोनों हाथ जमीन पे लेकर आ रहे हैं और हैमस्ट्रिंग्स में पूरा पूरा प्रेशर इस वक्त महसूस कर रहे हैं लेग्स के पिछले हिस्से में। अब राइट लेग पीछे, जितना ज्यादा हो सके पीछे लेके जाइए। आगे वाला जो नी है दीपिका, वो टो लाइन से बाहर जा रहा है, आगे वाला नी उसको इतना गैप को बढ़ाइए। इनहेल करिए, खींचिए गर्दन को पीछे की ओर, पीछे वाली लेग में पुश करिए ग्रोइन एरिया और लेग में स्ट्रेच। इसी तरह एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग भी पीछे, दोनों हील्स को वन बाय वन अब आपको लगाना है। पूरा पूरा बॉडी वेट डालिए जिस लेग को आप हील जिसकी टच कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से करिएगा। आपका वो स्ट्रेच आपके नीचे काफ मसल से ऊपर हिप मसल तक पूरा ट्रेवल करे, ऐसी हमारी कोशिश। पांच बार करने के बाद सामने की ओर आ जाएंगे दंडासन में, गर्दन सामने की ओर होगी बिल्कुल और शोल्डर्स का मूवमेंट। दीपिका थोड़ा करेक्ट करो पॉस्चर दंडासन का और स्ट्रेट करो पॉस्चर को। आइए तीन तीन बार लेफ्ट राइट शोल्डर मूवमेंट, उसके बाद एक एक बार साइड ट्विस्ट देंगे जिससे कि आपकी बैक रिलैक्स हो जाए। फिर पीछे की ओर जाएंगे पर्वतासन में और वही लेग हवा में रेस करिए जो पहले पीछे गई थी, यानी राइट करेगा राइट दीपिका। राइट लेग पूरा स्ट्रेट लेग, दोनों ऊपर वाली नीचे वाली दोनों, इसी तरह दूसरी लेग भी। वेल डन। इसके बाद दोनों घुटने धीरे से जमीन पर आ जाएंगे और हाथों के बीच में सिर्फ चेस्ट। दोनों लेग्स को अप एंड डाउन करेंगे प्रॉपर जिससे कि आपके लोअर बैक में स्ट्रेच आए, मकरासन को लेने का प्रयास है ये। वेरी गुड। अब वही भूमि को नतमस्तक होकर इनहेल करते हुए भुजंगासन, खींच रहे हैं बॉडी को, पैरों में गैप जीरो। वेल डन रनअप बेटा। और अब एक्सहेल करते हुए टोस पर बॉडी को उठाकर पीछे लेकर जाएंगे माउंटेन पॉस्चर में और कोशिश ऐसी करेंगे कि दोनों हील्स अब जमीन से एक साथ लग जाएं और नीज भी स्ट्रेट रह जाएं और आर्म्स भी स्ट्रेट रखते हुए सिर को जमीन की ओर लेकर आ रहे हैं। और अब वही लेग जो पीछे गई थी पहले उसको आगे लेके आइए हाथों के बीच में। That is the right one. Very good, Vasima. खींचे बॉडी को इनहेल करते हुए एक बार फिर जबरदस्त पीछे वाली लेग में स्ट्रेच अलोंग विद ग्रोइन एरिया। अब एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग भी आगे। और जिन लोगों को बैक पेन है लेग्स बैंड, अदरवाइज जबरदस्त स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स में, यहीं से नमस्कार मुद्रा, बाजुएं बिल्कुल सीधी, बहुत थोड़ा सा इनहेल क्योंकि चक्कर आने की पूरी संभावना, बैकवर्ड आर्च हमें लेना है और एक्सहेल करते हुए फिर नमस्ते मुद्रा में रुकना है। एक मिनट का रिलैक्स करेंगे जिन लोगों ने अभी किया है साथ में, और उसके बाद फिर आपकी इंडिविजुअल स्पीड।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। लग जाइए नंदिता मैडम, रुकिए मत। बहुत बहुत बढ़िया। जा? मैं ना जा रहा, कभी पापा को बता चल गया इतनी लड़की छोड़ दिया तुमने।
सर मैंने कर लिया है जी। जाऊं? हाँ जाइए जाइए। ठीक है नमस्ते सर, सी यू ऑन मंडे। आवाज कम आ रही है आपकी। ओके बाय सर, मैंने 8 सेट करें। बेटा और करने हैं दो, अभी जाओ मत कहीं भी। 10 के बिना कोई नहीं जाएगा बच्चे। ठीक है मैम आप निकल जाइए। सर मुझे कल से ना नीज में भी बहुत पेन हो रहा है। नीज में पेन हो रहा है आपको ये? हाँ सर, पता नहीं क्यों क्या हो गया अचानक से। सर एसी की वजह से तो नहीं हो? एसी की वजह से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एसी चलाना शुरू कर दिया आपने? सर एक्चुअली मुझे थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, मुझे नींद नहीं आती रात में। तो आज मैं देखती हूँ, मैं दूसरे कमरे में लेटती हूँ जब फैन तेज चलता है ना। हाँ फैन तेज चलाइए, विंडोज खोल के रखिए थोड़ा सा ना रात में। जी सर। ठीक है। मुझे सर स्वेलिंग सी लग रही है अपने नीज में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वसीमा कितना किया, क्वांटिटी बताइए। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू डू? हाँ बोल के बताइए। सर मैंने 4 बार किया है बस अभी टोटल। चलेगा। मायशा कहाँ गए? मायशा सर को ट्यूशन स्टार्ट हो गया उसका। अच्छा चले ठीक है, ट्यूशन स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करिएगा। बाकी अमन डालडा और नहीं करेंगे आप? वेरी गुड सिद्धार्थ। रीना मैडम कितना किया, आप तो वैसे भी लेट आई थी। हाँ चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रिंसिपल मैडम, वेल डन। प्रिंसिपल मैडम इतना उजाला कहाँ हो रहा है, आप अमेरिका में तो नहीं हो? बाहर तो अंधेरा हो गया है। ठीक है वेल डन ब्यूटीफुल, शवासन की हकदार हैं आप। कंप्लीट करेगा वेरी गुड किरण मैडम, ध्यान से। सर नया कीर्तिमान, पहली बार ही 10 क्रॉस किए। क्या बात है, बड़ा शिद्दत से करते हो आप सिद्धार्थ जो भी काम करते हो ना। वेंटिलेटर भी बनाया तो कितनी शिद्दत से बनाया है। और स्पीड सर, स्पीड। हाँ वही तो, बहुत बहुत बढ़िया। बैल की तरक्की का राज ना आप हो। अरे नहीं सर, श्रेय जाता है उन सब इंजीनियर्स को जिन्होंने इतनी जल्दी प्रोटोटाइप बनाया और इतनी जल्दी उसको ऑपरेशन में भी ले आए कि सो की ऑलरेडी साउथ के हॉस्पिटल्स में यूज होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात?
हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होप कर रहे हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी ना. वैसे कॉस्ट क्या निर्धारित किया आप लोगों ने? सर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे अगर देखा जाए तो अराउंड 70,000 पड़ेगा. ठीक है, काफी रीजनेबल है. बहुत रीजनेबल है सर, क्योंकि देखा जाए तो ये एटलीस्ट मल्टीपल पेशेंट्स पे यूज हो सकता है. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा था मुझे जब आपने फोटोग्राफ भेजा था. वो तभी तक पता लगेगा लोगों को कि दैट इंडियन ब्रेन इज नोवेयर बिहाइंड. एग्जैक्टली सर, 5 बार हो गया. जी जी, आप रिलैक्स भी कर लिए करिए, थोड़ा सा शवासन का आनंद ले लें किरण मैडम. जी सर. जी चलिए, सभी पूर्ण कीजिएगा, उसके बाद हम लोग ओम का उच्चारण लेंगे. कर लीजिए आराम से दीपिका और आप मैडम. अनुपमा मैडम, दिक्कत हुई थी करने में, रिस्ट में बोली थोड़ी. हाँ, वो ट्विस्टेड ट्विस्ट लेती हूँ जब, या शोल्डर मूवमेंट करती हूँ दंडासन में. हाँ, उस समय वो इस साइड का पूरा नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है. और स्वेलिंग स्वेलिंग तो नहीं आती है? नहीं, स्वेलिंग अभी ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की रहती है, बट ऐसा कोई स्वेलिंग की प्रॉब्लम अभी इतनी नहीं है. वेरी गुड, बस इसी तरह से एक बीच का मिडवे निकालते रहिए, ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो और बिल्कुल कंफर्ट में भी नहीं रहना है. तो ये इसी गर्मी तक आते आते आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, मतलब गर्मी तक निकलते निकलते अगले सर्दी सर्दी तक आते आते. बाय सर. इसने बोला बाय. मैंने बोला मैंने. ऑलराइट, नमस्ते नमस्ते, बाय. अब मैडम मैं ना आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, क्योंकि हर रोज आईडी और पासवर्ड ना चेंज होगा. ठीक है, उच्चारण हम लोग ले लेते हैं. आकाश मुद्रा लेंगे, मिडिल फिंगर और थंब, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, डीप इनहेल. गर्दन ऊपर की ओर और हाथ नीचे की ओर ऐसे आएंगे, गर्दन ऊपर की ओर हाथ नीचे की ओर, उसके बाद गला, ऑलराइट. चलिए इजाजत दीजिएगा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर नमस्ते. सर नमस्ते. नमस्ते अमन. नमस्ते अंकल पीछे. बाय बाय दीपिका. नमस्ते अनुपमा मैडम. नमस्ते सर. बाय सर. नमस्ते मालवी मैडम. नमस्ते सिद्धार्थ. बाय बाय. ऑलराइट, सी यू.